हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होने के साथ बलात्कार के आरोपियों के खिलाफ कानून सख्त किए जाने की मांग की जा रही है। आज तिनसुकिया लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा जहां कैंडल मार्च निकालकर दिवंगत महिला डॉक्टर के आत्मा की शांति की कामना की गई, वहीं सरकार से बलात्कारियों के खिलाफ कानून सख्त करने की मांग की गई। तिनसुकिया लॉ कॉलेज यूनियन के सचिव सुमित कुमार साह ने कहा कि अगर सरकार कुछ घंटों में नोटबंदी का निर्णय ले सकती है तो बलात्कारियों के खिलाफ सख्त कानून बनाने में क्यों देर हो रही है। लॉ कॉलेज की अध्यापिका अधिवक्ता निवेदिता बोस ने भी कहा कि आज पूरे देश से बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर कानून सख्त करने की मांग हो रही है, केंद्र सरकार को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए। लॉ कॉलेज प्रेइंग कंडोलेंस फॉर द रैश रेप केस ऑकर्ड इन इंडिया। सच इंसिडेंट इन इंडिया एंड ऑल द स्टूडेंट ऑफ तिनसुकिया लॉ कॉलेज प्रोटेस्टेड इट। टुडे दे आर स्टूडेंट एंड टुमारो दे आर द advocate for the society, and the students are the pillars of the society. They are the best citizen of India, and they can only build up the society, and they tried their best that the society can be changed, and such type of incident can never be come again before us. Thank you. हम लोग लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आए हैं। अभी जो हाल ही में हैदराबाद में जो कांड हुआ है प्रियंका रेड्डी रेप केस, उसमें हम लोग जान रहे हैं, हम लोग अभी स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम लोग चाहते हैं, इससे हम लोग बस ये जताना चाह रहे हैं कि जो हम लोग का लॉ है वो बहुत स्ट्रांग बने, इतना स्ट्रांग बने कि वापस प्रियंका रेड्डी जैसे कोई भी और ना हो, और हम लोग ये बस उसकी आत्मा की शांति के लिए, सो मे हर सोल रेस्ट इन पीस के लिए हम लोग ये कैंडल मार्च किए हैं। बोलिए, आज जो हम लोग के यहाँ पे आए हुए हैं, जो हमारे बीच जो हैदराबाद में जो हमारे बहनों के साथ में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, और उनके आत्मा के शांति के लिए हम लोग ये कैंडल जला रहे हैं। और मैं एक भारत सरकार से बात होना चाहता हूँ, अगर हम लोग अपना हमारे देश में एक रात में अगर हम लोग नोट चेंज करवा सकते हैं तो हमें रेप के लिए कानून क्यों नहीं बना सकते, और जो कि हमारे ऊपर सारा चुटकुल एविडेंस मिला हुआ, तो इतने अकेले क्यों, और हमारे देश में आज तक रेप्स के लिए कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिला किसी को, तो हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट दी जाए और दोबारा ऐसा कांड ना हो और जल्द से जल्द कम हो, क्योंकि ये कांड दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, और इसके लिए सख्त कानून बनाया जाए ताकि हम दूसरा कोई हमारी भारत की बेटी ना बने ये कांड के लिए, और उनके आत्मा का शांति के लिए आज हम लोग यहाँ पे कैंडल भी जलाए हैं। और मैं रोल मेरे से रोल नफीस, थैंक यू। एक मिनट